दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर में आज सुबह एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार में आए हुए लोगों पर वहाँ का जो लैंडर है वह भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें कि बहुत से लोग दब गए। और इसको सूचना पर वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँची, वहाँ पुलिस अधिकारी पहुँचे और जनता भी एकत्र हो गई। वहाँ से तक सूचना मिलने तक जो है 38 लोग और निकाले जा चुके हैं मलबे से, और लगभग 19 के जो मृत होने की सूचना अभी तक है। इस मामले में जो मुरादनगर में जो शमशान घाट है वहाँ पर एक फल विक्रेता राजा राम के जो मृत्यु हुई थी उनके अंतिम यात्रा को लेकर के वहाँ अंतिम संस्कार के लिए लोग पहुँचे थे, और बारिश के कारण से जो वहाँ का लैंटर है शमशान घाट का वो गिर पड़ा, और उसमें उन लोगों की जो अंतिम यात्रा है वह भी वहीं पर समाप्त हो गई और वह उसमें दब गए। इस बारे में मुख्यमंत्री ने भी शोक जताया है और क्या काम दिखाएंगे, जो वहाँ के डिविजनल कमिश्नर हैं सी मेसराम, उन्होंने क्या कहा यह भी हम आपको बताएंगे। और इस बारे में राष्ट्रपति कोविंद जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है, और उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। जो इस समय मृतक की संख्या है वह 19 बताई जा रही है, यह बढ़ भी सकती है। तो आइए सुनते हैं कि इस मामले पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सीएम और जो डिविजनल कमिश्नर हैं सी मेसराम, उन्होंने क्या कहा। मुरादनगर की घटना अत्यंत दुखद घटना है। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं, और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश सरकार शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत तो दुखद है। मेरे जो शोक संतप्त परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं, और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। देखिए, इसमें जो यहाँ पे इस स्थान पे जो शेड टाइप का स्ट्रक्चर था वो उसके गिरने से वहाँ पे करीब 38-40 लोग थे, उसमें 38 लोगों को इवैक्यूएट करके यहाँ से निकाला गया है। उसमें 17 लोगों की डेथ अभी हो चुकी है और बाकी लोग का सबका इलाज चल रहा है यहाँ पर अस्पताल में। और इसमें जांच करके जो भी दोषी हैं इसमें, चाहे ठेकेदार है या नगर पालिका के और अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका जांच करके हम लोग यथाशीघ्र इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे और आवश्यकता अनुसार विभागीय कार्रवाई या जो भी क्रिमिनल कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें पूरी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। समय भी है कि इतने घंटे बाद 48 घंटे या नहीं, हम लोग आके अभी आए हैं, हम लोग अब तो इमिडिएटली हम लोग जाँच शुरू कर दिए हैं। जाँच करके हम लोग उसमें कार्रवाई कराएंगे, उसमें जो भी करके तत्काल तत्काल हम लोग कार्रवाई जाँच कर रहे हैं।